खुल गया। क्या खुल गया भाई? दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैरवा नगर में खुल गया सिटी मेगा मार्ट। इसमें मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, होम मार्ट से संबंधित सभी खरीदारी करें और हर खरीदारी पर पाएं सुनिश्चित उपहार। दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रहे जीरादेही के युवक का हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामला प्रेम प्रसंग का निकला। सिवान जिले के जीरादेही थाना क्षेत्र के भलवाहिया कोली गांव के नरेंद्र सिंह का पुत्र पंकज कुमार दिल्ली में रहकर कानून का पढ़ाई करता था, लेकिन विगत माह में दिल्ली के साहिबाबाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उस समय साहिबाबाद प्रशासन को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, लेकिन कल पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर नया रूप ला दिया। साहिबाबाद पुलिस ने IME कॉलेज के कानून के छात्र पंकज की हत्या करने वाले उसके पूर्व मकान मालिक और उसकी पत्नी और बेटी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि छात्र और आरोपी की बेटी के बीच में प्रेम संबंध था, इसलिए छात्र की हत्या कर दी गई। शव को छिपाने के लिए घर में ही गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दिया। साहिबाबाद क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राकेश मिश्र ने बताया कि गिरधर एक्लेव में रहने वाले IME कॉलेज के कानून के छात्र पंकज की लापता की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच की गई तो 12 अक्टूबर को छात्र के पूर्व मकान मालिक हरिओम उर्फ मुन्ना के घर के बेसमेंट में खुदाई की गई, जहां से छात्र का शव बरामद हुआ। इसमें पुलिस टीम हथियारों की तलाश में जुट गई थी। सोमवार सुबह साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने मूल रूप से बिहार के नालंदा में रहने वाले आरोपी हरिओम, उसकी पत्नी सुलेखा और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पंकज साहिबाबाद में GT रोड स्थित IME कॉलेज से कानून की पढ़ाई करने के साथ बच्चों को ट्यूशन भी देता था। आरोपी की बेटी भी पंकज से ट्यूशन पढ़ती थी। इसी दौरान पंकज और युवती में दोस्ती हुई और दोस्ती प्रेम में बदल गया। इसकी जानकारी युवती के परिजनों को मिली तो उन्होंने युवती को पंकज से दोस्ती खत्म करने के लिए दबाव बनाया और हत्या की योजना बना दी। इसके पहले आरोपी हरिओम ने अपने घर के बेसमेंट में शव छिपाने के लिए पहले गड्ढा खोद दिया, फिर युवती ने परिजनों के कहने पर पंकज को घर बुलाया। इस दौरान हरिओम और उसकी पत्नी घर में छिपे हुए थे। जैसे ही पंकज घर में प्रवेश किया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और गला दबाकर हत्या कर दिए और बेसमेंट में उसके शव डालकर ऊपर से प्लास्टर कर दिए। इस घटना के बाद से पूरे परिजनों में शोक व्याप्त है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले के उद्भेदन कर देने के बाद से मामला साफ हो गया कि पंकज की जान प्रेम प्रसंग में गई। जीरादेही से अंकित कुमार सिंह की रिपोर्ट।